बेगूसराय में गोली मारकर 40 वर्षीय एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी है। मौत की खबर मिलते ही एक ओर जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं वारदात के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना का सहायक संघौल थाना क्षेत्र के इटवा गांव के हैं। मृतक की पहचान इटवा निवासी इंद्रजीत कुंवर का पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि वह अपने किराना दुकान को बंद कर घर आ रहे थे, तभी किसी ने फोन पर बात कर उसे घर से बाहर बुलाया और गोली मार दी। आनंद फानम में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा, उचित न्याय के लिए परिजनों ने हर हर महादेव चौक NH 31 पर सब को रखकर ट्रक बस बाइक को अड़े तिरछे कर सड़क को जाम कर दिया, आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना की पुलिस और मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खाली करवाया। वहीं राजकुमार सिंह ने कहा कि अपराधी के जेहन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। पुलिस जब तक अपराधी के जेहन में डर नहीं पैदा करेगी, तब तक अपराध कम नहीं होगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से पंकज कुमार की रिपोर्ट। मेरे को परिवार चलता था। ऐसा बात तो है नहीं, ये पब्लिक है। बजे इनको घर पर से बुला के ले फोन से मतलब फोन किया, गए गए ले जाने के बाद इनको गोली मार दिया। तो मनी क्या था नहीं था वो आदमी का हम भी ले अभी तक पहचान में आ रहा है जो फोन था। अच्छा, प्रशासन ने उनको उठाया है, इनका मोबाइल लिया है और मोबाइल में जब वो कॉल किया है अगला मोबाइल से बुलाया है तो प्रशासन ने सही बात बताएगा जी ये नंबर किसका है। इनका नाम था प्रमोद कुमार। कहाँ घर? घर यही है सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, पांच को धिया पुता है, ये पांच बच्चा को रखवाला कौन करेगा? वो तो भगवाने ऊपर वाला करना चाहिए। बस इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी मारा है कुत्ता बिला है, बस इसको इंसाफ चाहिए। हम इतने चाहते हैं, गरीब को कहीं कोई देखने वाला है ये नहीं है। सीधा बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। कौन लगे आप? मेरा भाई हूँ, गाय उसमें रखे हुए। हाँ, छोटा है वो, अपने घरे का गाँव में वो घूमती है। वही यही है सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। पता लगा कि एक युवक की हत्या हो गई है, कल रात्रि में हत्या हुई है। किसी ने मोबाइल पे उसको बुलाया और अंधेरे में उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मांग थी कि जो भी इसमें संलग्न है, जो अपराधी है, उसका जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी थानाध्यक्ष को ने भी कहा है कि 48 घंटे का समय मांगा है, उसका वीडियो फुटेज भी है और मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस ये लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये लोग कार्रवाई करके 48 घंटे के अंदर में उसको। पहले बताया ना कि अपराधी बेखौफ है, उसके दिमाग से प्रशासन का डर कम हो गया है, डर पैदा करना पड़ेगा तभी अपराधी।